हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे विटामिंस। सारा चैप्टर हो चुका है। न्यूक्लिक एसिड मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करी है वीडियो। नेक्स्ट इज विटामिंस। व्हाट आर द विटामिंस? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आर डाइट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन एंड देयर डेफिशिएंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिसीज। पहली बात, विटामिंस हमें बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। जो वाइटल फंक्शन होते हैं ना बॉडी के, उनमें ये असिस्टेंस का काम करते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेज हो जाती हैं अगर हम नहीं खाते तो। विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आर बॉडी। हाँ, बट एक विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनता है जिसका नाम है विटामिन B12। बाकी कोई विटामिन हम नहीं बना सकते। सब विटामिन्स प्लांट्स बनाते हैं। सम विटामिन्स आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इन आर गट, वो यही वाला है विटामिन B12। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल है विटामिन C एंड विटामिन B। और विटामिन बी अकेला नहीं है, इसका पूरा खानदान है। इस पूरे खानदान को बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में देखो कौन कौन से विटामिन है। B1, B2, B6, B12, निकोटीनिक एसिड, फॉलिक एसिड एंड पेंटोथीनिक एसिड। इन सबके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? A, D, E, K। वैसे एक और भी होता है विटामिन एच, जो ना तो वाटर में सोल्यूबल होता है, नीदर वाटर नॉर फैट सोल्यूबल। इसे हम विटामिन एच कहते हैं, जिसका नेम है बायोटिन। राइट, सो विटामिन्स टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12। ऑल अदर विटामिन्स शुड बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज आर एक्सेस आर सिक्रेटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आर बॉडी। ये आपके NCERT में क्वेश्चन है कि विटामिन बी एंड विटामिन सी रेगुलरली क्यों खाना चाहिए, रोज डाइट में क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों होते हैं वाटर सोल्यूबल। अगर हम एक्सेस खा भी लेते हैं तो बॉडी इनको बाहर निकाल देगा यूरिन के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, वाटर सोल्यूबल है ना, इसीलिए। सो अगर आप एक्सेस इनटेक करते हो फैट सोल्यूबल विटामिन की तो डिजीज हो जाती है हाइपर विटामिनोसिस, और लैक ऑफ विटामिन से हो जाता है ए विटामिनोसिस, यानी कि विटामिन ज्यादा भी नहीं खाने चाहिए। कौन से? फैट सोल्यूबल। नाउ दीज आर द नेम्स, सोर्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन ए का नेम है रेटिनोल, ये पाया जाता है मिल्क, बटर, एग, फिश। ऑफकोर्स फैट सोल्यूबल है तो फैट वाली चीजों में पाया जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी से होता है जीरोफ्थैल्मिया, हार्डनेस ऑफ कॉर्निया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। B1, B2, B6 इकट्ठा लिख लेना। अब क्वेश्चन आता है कि इनका नेम बताओ। एग्जाम में हम नेम भूल जाते हैं, नेम कैसे याद करेंगे? एक सीरियल होता है ना, इसकी TRP होती है, ये देखो TRP। B1, B2, B6 इकट्ठा लिख लो, TRP लिख लो। T थायामीन, R राइबोफ्लेविन, B6 पायरिडॉक्सिन। किस में मिलता है? पल्सिस में, दालों में, नट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। B2 किस में होता है? मिल्क, ग्रीन वेज, मीट और यीस्ट में। ये होता है राइस ब्रैन, यीस्ट, मोलेसिस और होल सीरियल्स में। कुल मिला के आपको ग्रीन वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, पल्सिस भी, नट्स भी खाने चाहिए। B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी, पैरालिसिस और लॉस ऑफ एपेटाइट। लेग्स की पैरालिसिस हो जाती है या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपको नट्स रोज खाने चाहिए, राइट, और ग्रीन वेजेस तो जरूरी खानी चाहिए। B2 की डेफिशिएंसी से होता है डर्मेटाइटिस, चिलोसिस, यानी कि जो लिप्स फट जाते हैं, डर्मेटाइटिस होता है स्किन का रफ हो जाना, तो आपको विटामिन B2 जरूरी है। B6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और इसकी डेफिशिएंसी से कन्वर्जन हो जाता है। कन्वर्जन क्या होता है? हाथ पैर का हिलना। पिलेग्रा भी इसी की कमी से होता है, श्रिवल्ड स्किन एकदम से श्रिवल हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और एनीमिया भी, नॉर्मल एनीमिया। B12 साइनोकोबालामिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कौन सा मेटल होता है? कोबाल्ट होता है, तब इसका नाम साइनोकोबालामिन रखा हुआ है। ये मिल्क और एग्स में पाया जाता है, और ऑफकोर्स ये कौन से हैं? एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि आप सबको पता है कि विटामिन B12 बैक्टीरिया बनाता है, तो नेचुरली मिल्क और एग, ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें तो होंगे ही सही। तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, यानी कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है RBCs में। हीमोग्लोबिन कम हो जाना वो इसकी डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी का नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में, और सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में।
आंवला एक ऐसा फल है, फ्रूट है, जिसका विटामिन सी कभी लॉस्ट नहीं होता है। आप इसको पका के खा लो, चाहे वैसे खा लो, बाकी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं इनको कुक करते हैं तो इनका विटामिन सी लॉस्ट हो जाता है, लेकिन आंवला का कभी लॉस्ट नहीं होता है। ये पाया जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और स्प्राउटेड पल्सेस में। इसे एंटी ऑक्सीडेंट वाइटमिन भी कहते हैं और इससे एजिंग भी नहीं होती है, यानी कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम हो जाता है, पायरिया। विटामिन सी इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिसीजेस, यानी कि जितना ज्यादा आंवला खाओगे उतनी बीमारियां आपको कम होंगी। कोरोना तो बिल्कुल पास नहीं आएगा अगर आप विटामिन सी प्लेंटी में लेते हो तो। और इसकी कमी से डिले हीलिंग ऑफ वूंड्स, वूंड्स होते हैं घाव, घाव जल्दी नहीं भरते हैं, तो यानी कि आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। आपको रोज फ्रूट्स क्यों खाने चाहिए, जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ना उनमें भी हमारा विटामिन सी होता ही है। विटामिन डी का अनदर नेम है अर्गो कैल्सीफिरोल, और सनशाइन विटामिन भी कहते हैं बिकॉज ये सनशाइन की प्रेजेंस में हमारा बॉडी बनाता है। बटर, मिल्क, एग्स, फिश और लिवर ऑयल में होता है। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है, लेग्स बेंड हो जाती हैं। छोटे बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए, हमारी लेग्स जैसे सीधी होती है ना, इनकी सीधी नहीं होती, ऐसे बो जैसी हो जाती हैं, और ओस्टियो मलेशिया हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से, बोन्स कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई का अनदर नेम है टोकोफिरोल, इसे एंटी स्टर्लिटी विटामिन भी कहते हैं। ये ऑयल्स में होता है नॉर्मली, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल में बहुत होता है ये, मिल्क में, एग्स में, फिशेज में। इसकी डेफिशिएंसी से स्टर्लिटी हो जाती है, वैसे स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है, रफ एंड ड्राई। जिसकी स्किन स्मूथ ना हो, अच्छी ना हो, वो समझ लो विटामिन ई की डेफिशिएंसी है उसको। विटामिन ई 4 टाइप्स का है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल, लेकिन जो अल्फा वाला होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। नेक्स्ट वो है हमारा को एंजाइम Q10, ये भी हमारा विटामिन है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। इसकी डेफिशिएंसी से लो इम्यूनिटी हो जाती है। विटामिन के का नेम है फाइलोक्विनोन, K1+K2 का मिक्सचर है ये, लीफी वेजिटेबल्स में होता है, कैरेट में होता है, कैरेट का जो टॉप पोर्शन होता है उसमें होता है। इसकी डेफिशिएंसी से हीमोरेज हो जाता है, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आसानी से नहीं होता। डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो अगर, तो समझ जाओ विटामिन के की डेफिशिएंसी है। विटामिन एच को बायोटिन कहते हैं, नीदर सोल्यूबल इन वाटर नॉर इन ऑयल, ये मिल्क, लिवर और यीस्ट में पाया जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से भी डर्मेटाइटिस, यानी कि आपकी स्किन रफ हो जाती है, लॉस ऑफ हेयर एंड पैरालिसिस हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन्स। विटामिन B12 डज नॉट अकर इन प्लांट्स, मैंने पहले बता दिया। विटामिन B12 फाउंड इन रेन वाटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विंड्स, विंड्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वहीं से विटामिन B12 भी बन जाता है रेन वाटर में। और एक बात याद रखना, जो लोग ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं, यानी कि जुकाम हो गया, खांसी हो गया, आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दे दिया, ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाओगे तो विटामिन B12 बॉडी में नहीं बनेगा। यानी कि एंटीबायोटिक्स जब भी आपको ज्यादा खाने को बोले जाएं, तो इसकी भी अलग से विटामिन B12 को बनाने वाले बैक्टीरिया की टैबलेट्स आती हैं, तो वो आपको साथ में खानी चाहिए। डेली थोड़ा सा कर्ड हमको खानी ही चाहिए, तो अपने विटामिन B12 का ज्यादा ध्यान रखो। और स्प्राउटेड मूंग, स्प्राउटेड पल्सेस हम लोग खाते हैं, उससे भी विटामिन B12 की काफी डेफिशिएंसी हमारी जो है फिनिश हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिंस। इसकी हमारी असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट कर लेते हैं। DPT, ये देखो DPT हमारी स्टार्ट होती है यहां से। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंजाइम्स, दीज आर द विटामिंस। इन विटामिंस के नेम वी हैव टू टेल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ए रेटिनोल, विटामिन डी सनशाइन विटामिन, अर्गो कैल्सीफिरोल भी होता है, विटामिन B1, B2, B6 मैंने इकट्ठा लिखा, TRP, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, और विटामिन ई का टोकोफिरोल, विटामिन एच बायोटिन, के फाइलोक्विनोन। नेम द डिसीजेस कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें होता है स्कर्वी, B6 से कन्वल्जन्स, हाथों का हिलना, B12 पर्निशियस एनीमिया, डी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, ई से स्टर्लिटी, स्टर्लिटी होता है बांझपन, नॉट हैविंग चाइल्ड बाय अ लेडी, विटामिन के डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, एच से होता है पैरालिसिस, डी वापस दूसरी बार आ गया रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग डिसीजेस, ज़ेरोफ्थैलेमिया विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, कन्वल्जन्स विटामिन B6, बेरी बेरी विटामिन B1, मस्कुलर वीकनेस
ये भी होती है हमारी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से कन्वर्जन वाली है ये। डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड्स विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के, ब्लीडिंग गम्स विटामिन सी। व्हाट आर फैट सोल्यूबल विटामिंस ADEK, वाटर सोल्यूबल विटामिंस B and C। B and C रेगुलरली रोज क्यों खाना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। क्यों स्टोर नहीं होता, क्योंकि ये होता है वाटर सोल्यूबल। जो एक्सेस होगा ना विटामिन B and C वो हमारे यूरिन से बाहर निकल जाएगा। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिंस।